सभी दोस्तों को मेरा यानी आर एस चहल का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महास्तंभन भट्टी जो कि आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा योग है, जिसमें कि केसर, सिद्ध मकरध्वज, लौंग, जायफल, जावित्री और इलायची के बीज, ऐसी बहुत सी औषधियाँ डाल के एक कम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसको भांग के रस की भावना देके तैयार किया जाता है। तो शीघ्र पत्र में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या घट पड़ते हैं, किस तरीके से ये निर्माण होता है, तो ये सभी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक योग आपको, जो पहले भी कई बार हमने अपने इस चैनल पे आपके समक्ष पेश किया है, तो उसी को दोबारा बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूं, क्योंकि अभी इसका सीजन है। कुछ औषधियाँ सीजनेबल होती हैं, तो अगर आप सीजन के हिसाब से उनका निर्माण करेंगे तो वो सस्ती पड़ जाती हैं। इसलिए आजकल भांग का सीजन है, तो ये महास्तंभन भट्टी बहुत अच्छा कार्य करती है। शीघ्र पतन, अर्ली डिस्चार्ज में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में और वीर्य के पतलेपन में, ऐसे काफ़ी रोगों में ये महास्तंभन भट्टी बहुत अच्छा कार्य करती है। तो महास्तंभन भट्टी का योग आज फिर मैं दोबारा आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर बना लें और इसका इस्तेमाल करें। इसका जो है, आप कैप्सूल के रूप में भी इसको बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी रख सकते हैं, सॉरी, आपको टेबलेट फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो जिन भाइयों को शीघ्र पतन की समस्या है, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, वो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, और इससे बहुत शांत निंद्रा आती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, दिमाग को, दिल को ताकत देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस भांग इसमें शुद्ध डालनी चाहिए, कच्ची भांग ना डालें। अगर आप भांग को शुद्ध करना नहीं जानते हैं, तो फिर आप ये योग का निर्माण ना करें, फिर किसी वैद्य से बनवा लें तो आपको ज़्यादा फायदा करेगी। क्योंकि अगर कच्ची भांग आप इसमें शुद्ध ना की हुई हो, ऐसी भांग आप डाल लेंगे तो आपको विकार पैदा कर सकती है। तो आप इसको बनाएं और इसका कुदरत का नज़ारा देखें, आयुर्वेद का नज़ारा देखें। तो इसके लिए आपको जो जो औषधियाँ चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितनी मात्रा में बनानी हो उसी अनुपात में आप औषधियाँ कम ज़्यादा ले सकते हैं। हम एक पेशेंट के लिए बना रहे हैं, तो मैं थोड़ी मात्रा में बना रहा हूँ, एक दो पेशेंटों के लिए ही बना रहा हूँ। आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इसी अनुपात में इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। कम तो क्या होगा, अगर आप इस ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा जरूर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर कम करेंगे तो फिर तो औषधि अच्छे तरीके से बनती नहीं है। तो कम से कम 1 या 2 ग्राम सभी घट के 1-2 ग्राम तो होने ही चाहिए हमारे पास। जैसे केसर है, ये महंगी औषधि है, तो अगर आप एक व्यक्ति के लिए बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 ग्राम केसर का अनुपात रख लें आप, इतना ही सिद्ध मकरध्वज डाल लें, तो ये एक व्यक्ति के लिए या 2 व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा बन जाएगा, महीना 2 महीने चल भी जाएगा। अगर आप क्लिनिकल के तौर पे बनाना चाहते हैं, कोई वैद्य मित्र अपने क्लिनिक पे रखना चाहते हैं, फिर आप जितना मर्जी बना लें इसको, 10 ग्राम से 20 ग्राम से जो बना लें तो इसी अनुपात में फिर आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं 2-2 ग्राम से बना रहा हूँ, तो मैं आपको 2-2 ग्राम का ही जो शेयर करूँगा। तो आपने लेना है सिद्ध मकरध्वज 2 ग्राम। मैं 3 ग्राम इसलिए डालता हूँ क्योंकि कुछ औषधि खरल के साथ लग जाती है जब इसको खरल करते हैं, तो 3 ग्राम डाला है मैंने, लेकिन इसका मुख्य जो अनुपात है वो 2-2 ग्राम ही है। 2 ग्राम आपने सिद्ध मकरध्वज लेनी है, केसर 2 ग्राम, अकरकरा ईरानी बड़ा 2 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम और धतूरे के बीज 2 ग्राम, जावित्री 2 ग्राम
लौंग 2 ग्राम, खुरासानी अजवाइन 2 ग्राम, जायफल 2 ग्राम, इलायची के बीज 2 ग्राम और शुद्ध भांग, भांग मैंने शुद्ध की हुई है पहले से, इसमें लिखा हुआ है पंजाबी में शुद्ध भांग, तो भांग लेनी है आपने इसकी 10 गुना, यानी भांग आपने 20 ग्राम लेनी है। तो इस विधि से आपने पहले काष्ठ औषधियों का पाउडर बना लेना है, और भांग का पाउडर तो मैंने तो पहले ही बना के रख रखा है, क्योंकि मेरी काफ़ी औषधियों में भांग पड़ती रहती है। तो आप काष्ठ औषधियों का, जैसे ये इलायची है, इलायची के अभी बीज मैंने निकालने हैं, तो इलायची के बीज निकाल के ही इस्तेमाल करेंगे। इलायची के बीज निकाल के उसके बाद ये सभी औषधियाँ आप इकट्ठी करके इसको फिर आप खरल कर लें, और जब बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाए तो 2-3 बार कपड़ छान कर लें, और सिद्ध मकरधमज को किसी अलग से किसी छोटी खरल में 2-3 घंटे खरल कर लेंगे तो चमक रहित तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये काष्ठ औषधियाँ और सिद्ध मकरधमज मिला दें, और फिर अंत में आप शुद्ध भांग भी इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका योग जो है वो निर्माण हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1/2 लीटर आपने इसके लिए 250 ग्राम काफ़ी है आपको, 250 ग्राम आप भांग का रस ले लें, और इसमें एक एक दो दो चम्मच डालते जाएं, तो इसमें जितना खप सकता है आपसे उतना खपा दें, खरल कर करके। ध्यान रखें कि खरल आपकी रुकनी नहीं चाहिए, जितना आप रस इसमें अधिक खपाएंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी भावना आएगी, उसी तरीके से आपका योग अच्छा बनेगा, अच्छे रिजल्ट देने वाला योग बनेगा। तो जब आपका सारा रस खरल हो जाए, सूख जाए, उसमें चाहे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो जब आपका सारा रस उसमें खरल हो जाए, जज्ब हो जाए, तो फिर आपने 500-500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें, या आप बट्टियाँ बना लें 1/2 ग्राम की, या 250 मिलीग्राम की, 2-2 रत्ती की गोली बना सकते हैं, और 4-4 रत्ती की 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भी भर सकते हैं, और 2-2 रत्ती की गोलियां भी बना सकते हैं। अगर गोली लेनी है तो आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, छोटी गोलियां हैं तो 2-2 गोली, अगर गोली बड़ी बनाई है आपने 1/2 ग्राम की बनाई है तो 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, और इसके साथ कम से कम 1 पाव भर मीठा दूध जिसमें मिश्री डाली हो और मलेटी का चूर्ण डाला हुआ हो, या फिर इसमें आप 2 चम्मच घी डाल लें। तो इस तरीके से आप ये चाहे तो संभोग से 2 घंटे पहले लें, चाहे आप इसको लगातार भी इसका सेवन कर सकते हैं 2 से 3 महीने, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त औषधि है, महास्तंभन भट्टी के नाम से हम इसको बनाते हैं, और इसका ख्याल खास तौर पे आजकल ये ख्याल रखें कि मौसम, जैसे सिल वाला मौसम है, अगर इसको गीली पैकिंग कर देंगे तो इसमें थोड़ा जैसे उल्टी टाइप हो जाता है ना, इससे जम जाती है, हालांकि नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से सुखा के ही कैप्सूल में पैक करें, या फिर गोली बनाएं आप, लेकिन अच्छे तरीके से इसको सुखाना है पहले, सुखाने के बाद ही आपने इसको कैप्सूल फिल करना है, या टेबलेट बना ली है तो उसको भी सुखाने के बाद ही किसी डब्बी वगैरह में पैक करें। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसका बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो आप सभी भाई इसको निर्माण कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये महास्तंभन भट्टी का जो होता, पहले भी हमने कई बार अपने जो है यूट्यूब चैनल पे भी डाला है, और केसर बढ़िया वाला लें आप केसर, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और सिद्ध मकरधमज भी अच्छी फार्मेसी की हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी अकरकरा ईरानी हो गया, दालचीनी हो गई, ये सभी औषधियाँ नई ताज़ी हों, ज़्यादा पुरानी ना हो, तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देती है अर्ली डिस्चार्ज में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और वीर्य के दोषों को दूर करने के लिए, स्तंभन के लिए ये महास्तंभन भट्टी या कैप्सूल बहुत अच्छा योग है। आप इसको बनाइए और इसका लाभ उठाइए। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, और जो भाई नए आते हैं चैनल पर उनसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर तरह से बारीकी से जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं रखी जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई आयुर्वेद के संबंध में ही जानकारियाँ दी जाती हैं, कोई जहाँ पे विशेष चर्चा जितनी भी होती है वो आयुर्वेद के संबंध में ही होती है, ना तो हम किसी को होम्योपैथी के बारे में बताते हैं, ना एलोपैथी के बारे में बताते हैं। जो हमारा
मुख्य चिकित्सा है वो हमारी आयुर्वेद के संबंध में है। तो आयुर्वेद के करिश्मों के बारे में, आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के चमत्कारों के बारे में, आयुर्वेद की रसायनिक योग, सभी ये योग मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आप शेयर भी किया करें और इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो आज का ये योग था महास्तंभन भट्टी के बारे में। इसके बारे में कोई ज़्यादा पूछना हो कुछ, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। अभी औषधियाँ जैसे महंगी औषधियाँ हैं, तो महंगी औषधियाँ वही बनाएं जिन भाइयों को थोड़ा बहुत पता हो। अब बिल्कुल भी पता नहीं है आपको तो आप औषधि बनाने लग जाते हैं। अब जैसे कामचूड़ा मणि रस है, तो उसमें स्वर्णवासम बराबर मात्रा की पड़ती है, मोती पिष्टी पड़ती है। तो जैसे चांदी भस्म है, सभी औषधियाँ महंगी हैं। तो अब अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको खरल किस में करना है, कितने देर तक खरल करना है, और मोती पिष्टी क्या है, मुक्ता शुक्ति क्या है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप अपनी औषधियाँ फिर खराब कर सकते हैं, क्योंकि सभी औषधियाँ महंगी होती हैं। तो मैं यही बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि जब तक पूरी समझ ना आए, आप अपन सारी से औषधियाँ खरीद के बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपकी औषधियाँ खराब होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो ना तो आपको यूज करने के, इस्तेमाल करने के काम आएंगी, ना वापस होंगी वो। जब आप औषधियों को मिक्स कर लेंगे तो वो वापस भी नहीं होंगी, और किसी गोली बट्टी के रूप में आप उनको बना भी नहीं सकेंगे जब तक आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता होगा। अब कुछ भाई इन बातों का बुरा मान जाते हैं कि अच्छे तरीके से बताते नहीं हैं। तो अगर कोई औषधि बनानी है, आपने पहले उसकी जानकारी आप पूरी लो, वीडियो डाला होता है उसमें सारी जानकारी होती है, वहाँ आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो सारी जानकारी आ जाएगी। अगर एक वीडियो में नहीं आएगी तो दूसरे वीडियो में आ जाएगी। तो इस तरीके से पहले उसकी सारी जानकारी ले लो, फिर अगर आपको कोई उस टाइप का कोई ग्रंथ मिलता है आयुर्वेद का, जिस ग्रंथ में उसके बारे में चर्चा की गई है, तो वो ग्रंथ भी आप उसका भी अध्ययन कर लें, फिर आप औषधि बनाने की योजना करें, फिर ही आप अपन सारी से दवाइयाँ लेके आए। अब आपने महंगी स्वर्ण भस्म, महंगी मोती पिष्टी, महंगी महंगी औषधियाँ पंसारी से ले आए हैं आप, फिर आप उसको बनाने लग जाते हैं, आपको उसको प्रोसेस का पता नहीं होता है, तो आपकी औषधियाँ खराब हो सकती हैं। तो यही मेरा निवेदन रहता है कि किसी का नुकसान ना हो, इसलिए मैं हमेशा यही बात कहता रहता हूँ कि जब तक पूरा प्रोसेस समझ ना आए, तब तक महंगी औषधियाँ बनाने में आप हाथ ना डालें। वैसे तो कोई भी औषधि है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए। जैसे ये है औषधि, अब इसमें भांग का मुख्य रोल है, भांग मुख्य घटक है। अगर भांग आप कच्ची डाल देंगे, शुद्ध की हुई नहीं डाल देंगे, तो वो आपको नुकसान करेगी। तो यही मैं हमेशा जानकारी देता रहता हूँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जल्दी मिलेंगे कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए इजाज़त।